अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या को 2 दिन बीत चुके हैं। सरकार में मंत्री रहे कई लोगों ने अतीक की मौत पर बयान दिए, ट्वीट किए। वहीं विपक्ष ने इसके उलट खूब हल्ला मचाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ चुप रहे और अंदर ही अंदर काम करते रहे। आज जब लोक भवन में सरकार से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, तो योगी आदित्यनाथ भी अपना संबोधन देने आए, और अपने इस संबोधन में उन्होंने खुलकर तो नहीं, लेकिन हाँ, अतीक अहमद की हत्या पर उन्होंने अपना रुख आज साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन पर डरा धमका नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी देता है। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है, और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे, 2007 से 2012 के बीच में 264 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है, वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ ने बंद लफ्जों में यूपी की जनता को समझा दिया है कि राज्य अब क्राइम फ्री हो गया है। लेकिन उनके इस बयान से एक दिन पहले ही जालौन जिले में 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने कॉलेज जा रही छात्रा की गोली मार कर हत्या कर दी। वहीं दूसरी घटना घटी उन्नाव में, जहां नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के घर में दबंगों ने आग लगा दी, जिसमें 2 बच्चे भी झुलस गए। इसमें एक बच्चा 7 महीने और दूसरी बच्ची 2 महीने की है। वो बात और है कि दोनों मामलों में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि किस बिना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर कह रहे हैं कि आज यूपी में कोई किसी को डरा धमका नहीं सकता। उनकी इस बात में थोड़ा संदेह होता है।